नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं डॉक्टर इम्तियाज हॉस्पिटल हर्रा की चुंगी पॉलिटेक्निक चौराहा आजमगढ़। इलाज के साथ ही जांच की सुविधा उपलब्ध। आजमगढ़ पब्लिक स्कूल कोटिला चेक पोस्ट रानी किसराय आजमगढ़ एडमिशन ओपन। साई इंटरनेशनल स्कूल निकट आरटीओ ऑफिस बदली बाजार आजमगढ़ एडमिशन ओपन। डालिम सन बेबी स्कूल तिवारीपुर मऊ रोड आजमगढ़ एडमिशन ओपन। गोमती ग्रामीण निधि बैंक निवेश और सिक्योर्ड लोन के लिए संपर्क करें। जीडी ग्लोबल स्कूल करतालपुर आजमगढ़ एडमिशन ओपन। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। मोतीबाल डिलक्स रेस्टोरेंट सदावर्ती चौक आजमगढ़ फ्री होम डिलीवरी। और होटल पार्क ग्रीन सिधारी आजमगढ़। उत्तर प्रदेश के आतंक निरोधी दस्ते ने शुक्रवार को जिला पुलिस संघ संयुक्त छापेमारी में असलहा तस्करी के बड़े रैकेट का राज फाश किया है। दो तस्करों को गिरफ्तार कर 10 पिस्टल 20 मैगजीन एवं 2 मोबाइल बरामद किया। गिरोह एक फरार सदस्य में हत्थे चढ़े एक तस्कर का पुत्र है। ये लोग मध्य प्रदेश से अवैध असलहे लाकर बेचते थे। फरार की गिरफ्तारी के लिए विभिन्न स्थानों पर दबिश दी जा रही है। इससे पूर्व एटीएस ने बीते अक्टूबर माह में बिलरियागंज में छापेमारी कर असलहों का जखीरा बरामद किया था। 6 माह में तस्करों के फिर से फन कार्ड लेने को स्थानीय पुलिस की विफलता मानी जा रही है। एटीएस 4 आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर छानबीन में जुट गई है। एटीएस की टीम बीते वर्ष असलहा तस्करों को दबोचने के बाद भी शांत नहीं पड़ी। सुराग रशी में तस्करी बदस्तूर होने के इनपुट मिल रहे थे। इसी आधार पर एटीएस और जिले की पुलिस ने मिलकर काम किया तो सफलता हाथ लग गई। पुख्ता हो गया कि हथियार दूसरे प्रांतों से लाकर बेचे जा रहे हैं। ऑपरेशन शनिवार को शहर के जजी के मैदान के निकट हुआ तो राम शब्द यादव निवासी जीनपुर और संजय यादव निवासी गजहड़ा मुबारकपुर हत्थे चढ़ गए। दोनों के पास से 10 पिस्टल और 20 मैगजीन 2 मोबाइल बरामद हुए। फरार व्यक्ति राम शब्द का बेटा कमलेश कुमार यादव है। पुलिस सटीक सूचना पर जजी के मैदान के पास घेराबंदी की कि कुछ ही देर बाद दो व्यक्ति पिट्ठू बैग लेकर पहुंचे ही थे कि दोनों को दबोच लिया। गिरफ्तार अभियुक्त राम शब्द यादव पर कुल 32 मुकदमे दर्ज है। 6 माह पूर्व एटीएस की टीम आजमगढ़ के बिलरियागंज में स्थानीय पुलिस के साथ ऑपरेशन की थी। 27 अक्टूबर 2022 को छापेमारी हुई तो 4 पिस्टल 10 एयरगन और 1 बंदूक और बड़ी संख्या में अर्धनिर्मित हथियार बरामद हुए थे। उस मामले में जिले के काजीगंज हाउस का संचालक भी हत्थे चढ़ा था। शनिवार को दिन पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि मध्य प्रदेश में असलहा लाकर दोनों अभियुक्त किसे बेचने जा रहे थे और अब तक किस किस को बेच चुके हैं इसकी पड़ताल की जा रही है। ये भी पता लगाया जा रहा है कि इनके साथ और कितने लोग हथियार तस्करी से जुड़े हुए हैं। कोतवाली आजमगढ़ में ज्वाइंट ऑपरेशन एटीएस व थाना कोतवाली के द्वारा जो चलाया गया, इसमें 2 शातिर अपराधी राम शब्द यादव जो जीएनपुर का रहने वाला है व संजय यादव जो मुबारकपुर का रहने वाला है, इनकी गिरफ्तारी करी गई है। इनके पास से 10 पिस्टल्स 20 उनके मैगजीन्स जो 32 बोर के हैं बरामद हुए हैं व इनके पास से कारतूस व मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। यह पिस्टल्स मध्य प्रदेश से खरीद कर लाए थे व इनको लोकल क्षेत्र में बेचना था। राम शब्द के ऊपर आजमगढ़ व मऊ से मुकदमे हैं। पुलिस इन सभी लोगों की तलाश कर रही है जिनको ये सप्लाई जानी थी और जिनसे सप्लाई इसको प्राप्त हुई थी। पुलिस सभी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करेगी व इनके प्रॉपर्टी जब्तीकरण की भी कार्रवाई की जाएगी। ये वहां से लेने के सामान लाने के उपरांत ये अलग अलग लोग से संपर्क करते थे। लोकल इनको जानकारी थी कि कहां कहां से इनको सेल ऑफ करना है और लोग इनसे संपर्क कर लेते थे तो ये इंडिविजुअल एक एक करके ये लोग बेचा करते थे। ये जानकारी मिल सकी कितने मिले आते थे, कितने बेचते थे? बाकी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से हम लोग पता लगाएंगे पिछले भी इन्होंने कहाँ बेचे हैं, जहाँ से लेकर आए, और जो करंट सप्लाई जो इन 10 की बरामद हुई है कि इनके पास जानी थी, सभी की गिरफ्तारी करके हम लोग वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सर टोटल इसमें कुछ पता चल पाया कितने लोग हैं सम्मिलित, की कितने लोगों को ले आकर ये बेचते थे या इनकी गिरोह में कितने लोग शामिल थे? ये काफ़ी टाइम से ये आदमी काम कर रहा है तो हम लोग सभी डिटेल में इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे और सभी के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। जनपद में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के अभी 36 घंटे भी नहीं बीते कि जनता का हाल बेहाल हो गया। चारों तरफ बस हाहाकार मचा हुआ है। बिजली से चलने वाले सभी उपकरण फेल हो रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या पानी की हो रही है। समरसेबुल नहीं चलने से पानी की समस्या विकट हो गई। लोग परेशान हैं। गांव में कुआं पहले ही बंद हो गया। जहाँ हैंडपंप है वहाँ पानी का काम तो चल रहा है, परंतु जिस घरों में समरसेबल से पानी की आपूर्ति होती है वहाँ बड़ी समस्या खड़ी हो गई। बिजली विभाग द्वारा की गई 72 घंटे की हड़ताल बड़ी समस्या बन गई। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आपूर्ति व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है।
गुरुवार सुबह से बिजली सप्लाई ठप है। इसके चलते नगर के कई मोहल्लों के सभी घरों में पानी का संकट उत्पन्न हो गया। घरों में पानी सप्लाई कराने में नगर पालिका भी फेल हो गई। वहीं बिजली न होने के कारण संचार व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है। बिजली आपूर्ति को सुचारू रखने के लिए शासन प्रशासन ने उपाय तो किया, परंतु उसका असर कहीं नहीं दिख रहा और न ही उपयुक्त साधनों की व्यवस्था की गई जो विद्युत आपूर्ति को सुचारू रखने में सहायक सिद्ध हो सके। दूसरी तरफ अस्पतालों में भी बिजली सप्लाई न होने से मुश्किलें बढ़ गई हैं। लोग डिबरी युग को याद कर उजाले के लिए प्रयोग किए जाने वाले लैंप आदि का सहारा लेना शुरू कर दिए। जिले के शहरी सहित ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती से लोग आक्रोश व्यक्त करने लगे हैं। हड़ताल के दूसरे दिन भी हाफिजपुर, बलरामपुर और मातनपुर फीडर से बिजली सप्लाई बाधित होती रही, जिससे आधा शहर अंधेरे में डूबा हुआ है। लोग रात में सड़कों पर उतरकर बिजली विभाग और शासन प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष के नेताओं को कोस रहे हैं, क्योंकि आजमगढ़ में विद्युत कर्मियों की हड़ताल की वजह से आई इस परेशानी में न तो सत्ता पक्ष का कोई नेता लोगों की सुध ले रहा और न ही विपक्ष के नेता सामने आ रहे हैं। अभी तो 3 दिन से है नहीं, क्या दिक्कतें हो रही है आप लोगों को? 3 दिन से है नहीं, लाइट भी नहीं है, पानी भी खत्म हो चुका है, सब कुछ इन्वर्टर बैठ चुका है। देखो वैकल्पिक व्यवस्था आप लोग कर रहे हैं कि नहीं? अभी तो कोई व्यवस्था है नहीं अच्छी। प्रशासन कुछ व्यवस्था कर रहा है आप लोगों के लिए? अभी तो कोई व्यवस्था नहीं, ऐसा सुनने में आया नहीं है कोई। अच्छा। क्या चाहते आप लोग? कुछ नहीं, यही लाइट चालू कर दी जाए, कहें कि दुकान का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हर काम तो लाइट के ऊपर डिपेंडेड है, जो भी काम है वो लाइट के ऊपर डिपेंडेड है, चाहे हमारा काम हो या किसी का भी काम है, हर चीज़ लाइट से जुड़ी हुई है। अगर पानी की व्यवस्था कहाँ से कर रहे हैं? दूर दूर से पानी लेके आना पड़ता है? जी हाँ, दूर दूर से पानी, या सरकारी नल है उससे पानी ला रहा है आदमी। अभी यहाँ पीछे मोहल्ले में लड़के सुबह सुबह आ रहे हैं, 2-2 किलोमीटर चल के वहाँ से पानी लेके आ रहे हैं सब। तो कौन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, 3 दिन से लाइट नहीं है। 3 दिन मतलब कुछ होता है? 3 दिन, 3 दिन हो गया। प्रशासन वाले ने बोला था कि भाई हम कुछ व्यवस्था करेंगे, लेकिन अभी तक कोई प्रशासन वाला आया नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था हुई नहीं है अभी तक। समय से यही हम लोग को लाइट नहीं मिल रहा है, आए 2-3 दिन से, और रात में अंधेरा है, खाना बनाने में दिक्कत हो रही, सब चीज़ में दिक्कत हो रही है। पानी भी नहीं मिल रहा है। हाँ, सड़क पर पानी हम लोग ला रहे हैं। जी नहीं, क्या चाहते आप लोग? हम लोग चाहते लाइन बिजली मिले हम लोग को। बिजली की व्यवस्था बहुत बेकार है, बिजली 3 दिन से है ही नहीं। हाँ, करीब अरे परेशानी लाइट से, जो परेशानी, पानी वानी है ही नहीं, न पीने का ना कोई कुछ, पानी व्यवस्था है ही नहीं, लाइट नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। जनरेटर कहाँ मिल ही रहा है? जब मार्केट में जनरेटर है ही नहीं, हर घर में जनरेटर पहुँच गया, पहुँचना, जनरेटर होना चाहिए तब ना मिलेगा, जनरेटर इधर है ही नहीं। नहीं कर, अभी जनरेटर व्यवस्था हुई नहीं है। पानी लेके आ रहे हैं बाहर से, हैंड पाइप से पानी लेके आ रहा है, वही यूज़ हो रहा है। ऐसा तो कुछ नहीं कहा है प्रशासन ने, अभी तो सुनने में कुछ नहीं आया व्यवस्था हो रही। अब हमारे एरिया में 3 दिन से तो लाइट नहीं है, व्यापार बहुत एकदम अस्त व्यस्त हो गया है। क्या कारण है, पता है? पता चला है यही कि हड़ताल है। हड़ताल की जानकारी है, प्रशासन पूरी व्यवस्था कर रहा है। अब किसी एरिया में लाइट है, किसी एरिया में लाइट है ही नहीं। अब हम लोगों के यहाँ आज 3रा दिन है, बहुत दिक्कतें हैं। अब सुबह से देखिए दिन भर अंधेरे में है, शाम को 6-7 बजे दुकान बढ़ा के चले जाएंगे। प्रभाव पड़ा है इसका? बहुत प्रभाव है, बैठे हैं सुबह से, 1 रुपए बिक्री नहीं है। क्या चाहते हैं आप? जल्द से जल्द दुरुस्त व्यवस्था की जाए इसकी। वहीं दूसरी तरफ आजमगढ़ के डीएम विशाल भारद्वाज ने विद्युत कर्मियों की हड़ताल के मद्देनजर जनपद में बिजली के वर्तमान हालात को देखते हुए अपने बयान में कहा है कि प्रशासन की तरफ से वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि सतत आपूर्ति हो सके। उन्होंने कहा कि सभी विद्युत उपकेंद्र पर कर्मियों अधिकारियों की तैनाती भी की गई और सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कुछ क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति में बाधा, जिसको शीघ्र रूप से बहाल करने की कोशिश की जा रही है। कर्मचारियों के हड़ताल के दृष्टिगत सतत विद्युत आपूर्ति बहाल रखने के लिए आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई हैं। सभी उपकेंद्रों पर कर्मचारी अधिकारी तैनात हैं तथा सुरक्षा के लिए पुलिस बल भी वहां पर उपलब्ध है।
कुछ क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित है, उन्हें शीघ्र बहाल करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की लाख कोशिश और लगातार कार्रवाई के बाद जिले में हर्ष फायरिंग की घटनाएं नहीं रुक रही हैं। ताजा मामला रानी के जराये थाना क्षेत्र का है, जहां अवैध असलहे से दो युवक अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। हर्ष फायरिंग का ये वीडियो सोशल मीडिया में तेजी के साथ वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो रानी के सराय थाना क्षेत्र के अधौरी गांव का है, जहां कुछ दिन पूर्व एक तिलक समारोह आयोजित था। इसी समारोह में दो युवक अवैध असलहे के साथ फायरिंग कर रहे। फायरिंग स्थल पर छोटे छोटे मासूम बच्चे भी हैं। फायरिंग करने के दौरान दोनों युवक बकायदा इसका वीडियो भी बनवा रहे हैं। दोनों युवक बेधड़क ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और यही वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। यार यार देख के मारा, बोल हट जाओ, हट जा जी, हाथ मारो तुम्हें ही लोग, हट जा जी, हाथ मारो ये ताकि भरती है, चंदोलिया मत दिखाना, सर दिवाली वाली है। यार यार देख के मारा, बोल हट जाओ, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल अभी पुलिस वायरल वीडियो की पड़ताल करने में जुटी है। SPCT शैलेंद्र लाल ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच COCT को सौंपी गई है। फायरिंग करने वाले युवकों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें एक व्यक्ति छोटे वेपन से फायरिंग करता नजर आ रहा है, जिसकी जांच COCT को सौंपी गई है। जांच के उपरांत इस व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया जाएगा, इसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा, इसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और वैधानिक कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र के नंदना गांव निवासी शेषनाथ सिंह पुत्र राम मूरत सिंह, जो महिंद्रा ट्रैक्टर में नौकरी करते थे तथा अवकाश के बाद कुछ साल से पैरालिसिस से पीड़ित थे। इनके दो बच्चे संजय कुमार सिंह SSB गोरखपुर में तैनात है एवं छोटे लड़के अजय कुमार सिंह BSF में नियुक्त होकर प्रधानमंत्री कार्यालय की सुरक्षा में तैनात है। शेषनाथ सिंह अपनी पत्नी सहित मौके पर गोरखपुर में अपने लड़के के यहाँ इलाज करवा रहे हैं। बीती रात चोरों ने छत के रास्ते घर में प्रवेश कर लिया एवं भूतल पर स्थित चार कमरों के दरवाजे का ताला तोड़कर लाखों रुपए के गहने सहित अन्य सामानों को चुरा ले गए। इस दौरान मकान में कोई नहीं था। घटना की सूचना मिलते ही निरीक्षक रफी आलम, उप निरीक्षक उमेश चंद यादव समेत जिले से डॉग स्क्वाड एवं फॉरेंसिक टीम के लोग पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। फॉरेंसिक टीम द्वारा भवन एवं टूटी हुई अलमारी के तारों की तरफ फिंगरप्रिंट कराई तथा डॉग स्क्वाड टीम द्वारा भी निरीक्षण कराया गया। हालांकि इससे पुलिस को कोई परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। घटना की स्थिति देखने से पता चल रहा था कि चोर बड़े ही इत्मीनान से काफी समय से घर में चोरी सहित चार कमरों के दरवाजे का ताला तोड़कर चार बड़े बक्से, सात छोटे बक्से, दो अलमारी का ताला एवं चार सूटकेस का ताला तोड़े। इस दौरान कई तालों को आरी से काटा भी गया। घटना की सूचना पाकर गोरखपुर SSB में तैनात संजय कुमार सिंह जब सुबह घर पर पहुंचे तो उन्होंने बताया कि मेरे घर के चार कमरों के दरवाजों का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों द्वारा 15 से 16 लाख रुपए के गहने उठा ले गए। इस चोरी के पहले चोरों द्वारा गांव के ही PRD जवान मंगला सिंह के घर में छत के रास्ते से घुसकर चोरी करने का प्रयास किया गया। वर्तमान में मैं SSB में कार्यरत गोरखपुर में हूं। ये चोरी हुई इसके बारे में बताइए। चोरी हमारे घर में चोरी हुआ सुबह, जो हमारे चाचा के लड़के अजीत सिंह द्वारा सूचना दिया गया, उसके उपरांत हमने 11:15 बजे नंदना में अपने घर पे आया और पुलिस टीम सारे लोग तफ्तीश में जुटे हुए थे। उसके बाद उन्होंने बोला कि हर संभव प्रयास है हमारा कि जो है जिन्होंने क्या देखे कितने कमरे का ताला टूटा, कितने बक्से का ताला टूटा, इसके बारे में थोड़ा बताइए। 6-7 बक्सा छोटा बड़ा मिला के है और 6 जो है सूटकेस है, अलमीरा जो है 2 है और सारा सामान बिखरा हुआ है। लमसम जो है करीब 15-16 लाख का जो जेवरात थे वो भी नहीं है। कितने कमरे में ताले तोड़ तोड़े? चार कमरा जी। तो क्या लगता है कितना लगभग और अंदाजे कितना कैश भी था कि नगद नहीं था? हमारा जो जेवरात जो लमसम लगभग 15-16 लाख का था। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि पुलिस ने आश्वासन दिया कि हर संभव आपका प्रयास मतलब मदद किया जाएगा।
मंत्री मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने शनिवार को सर्वोदय इंटर कॉलेज ग्राम सभा जल्दीपुर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है। हमारी नीति है कि गांव के गरीब के साथ हर धर्म और वर्ग का विकास हो। उन्होंने बताया कि जिस मछुआ समाज को अछूत समझा जाता था आज उनके विकास के लिए केंद्र और प्रदेश की सरकार कार्य कर रही है। पिछले बजट में 20,000 करोड़ ब्लू रिवॉल्यूशन के नाम पर मछुआ समाज को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रावधान किया है और बीते दिन में पास हुए बजट में मछुआ समाज के लिए 6,000 करोड़ रुपए का प्रावधान कर मछुआ समाज को विकास के क्रम में आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। मंत्री संजय निषाद ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के आत्मबल सखा महाराज गुहा राज निषाद जी की मिलन स्थली व अद्भुत स्थल श्रृंगवेरपुर धाम को पर्यटक स्थल घोषित किया गया। भगवान श्री राम एवं महाराज गुहा राज जी के 56 फुट की गले लगी मूर्ति लगवाने का कार्य भी सरकार कर रही है। निषाद राज जयंती पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर मछुआ समाज का मान बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने विभाग से संबंधित बजट के मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत होलसेल फिश मार्केट के लिए 257 करोड़ 50 लाख की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत 10 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। निषाद राज बोर्ड सब्सिडी योजना हेतु 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मंत्री संजय निषाद ने बताया कि प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 में सभी मछुआरों को मत्स्य पालक कल्याण कोष से मत्स्य पालक मछुआरा बाहुल्य ग्रामों में अवसंरचनात्मक बारात घर सुविधाओं की स्थापना जिसमें सामुदायिक भवन का निर्माण भी सम्मिलित है, वैवाहिक सहायता, शिक्षा हेतु सहायता, कोचिंग, कौशल उन्नयन, छात्रवृत्ति आदि, चिकित्सा सहायता, वृद्धावस्था सहायता, केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित क्षेत्रफल एवं धनराशि के अनुसार एकल आवास सहित मछुआवास निर्माण सहायता की भी अनुज्ञा प्रदान की जाएगी। उच्च तकनीकी ज्ञान प्रदान करने, अंतर्राज्यीय भ्रमण, दक्षता विकास प्रदर्शनी और सेमिनारों के लिए मत्स्य पालकों मछुआरों के प्रशिक्षण भ्रमण पर कुल कोष का 2% तक व्यय होगा। मत्स्य पालक मछुआ परिवारों की महिलाओं को सशक्त करने, मछली पकड़ने के जाल उपकरणों की सुविधा की व्यवस्था करना और मछली विक्रय हेतु मोपेर आइस बॉक्स आदि उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष 2022-23 में बहुत ही कम समय शेष रहने के कारण मत्स्य पालक कल्याण कोष के अंतर्गत प्रथम चरण में 5 कार्यक्रमों परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पूर्व की सरकारों द्वारा मछुआ समाज को हमेशा हाशिए पर रखने का कार्य किया था, केवल वोट बैंक की तरह मछुआ समाज का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि केंद्र राज्य सरकार मछुआ समाज के सर्वांगीण विकास के लिए उचित कदम उठा रही है। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में आज तहसील सगड़ी के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्ता युक्त निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। जन समस्याओं का गुणवत्ता युक्त एवं समयबद्ध निस्तारण शासन की प्राथमिकता है। इस अवसर पर कुल 123 मामले आए जिसमें से 8 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया तथा शेष 115 मामलों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत करने के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। प्राप्त मामलों में राजस्व विभाग के 80, पुलिस के 20, विकास के 14 एवं अन्य के 9 मामले शामिल है। जिलाधिकारी ने समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन जिन विभागों से संबंधित आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं उसे जल्द से जल्द शत प्रतिशत गुणवत्ता युक्त निस्तारित करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि समस्याओं का निस्तारण प्रारंभिक स्तर पर ही कर दिया जाए तो जनता को मुख्यालय तक नहीं जाना पड़ेगा, इसलिए अधिकारीगण प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभिक स्तर पर ही जन समस्याओं का वास्तविक निस्तारण कर दे। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी प्रकाश गुप्ता, एसडीएम सगड़ी राजीव रतन सिंह, तहसीलदार सगड़ी, सीएमओ डॉक्टर आईएम तिवारी, जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी सुनील कुमार पुष्कर सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। तहसील स्थित संपूर्ण समाधान दिवस पर जन शिकायतों का निस्तारण होता है। लगभग 200 प्रार्थना पत्र आज आए हैं, ज़्यादातर भूमि विवाद के हैं, कुछ प्रधानमंत्री आवास योजना के हैं और उनको त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित को निर्देशित किया गया। कुछ विशेष जिसमें निर्देश दिया गया होगा कोई समाधान दिवस पर, चाहे लंबित मामले हो, कैसा विशेष मैटर आया हो, जो जेन्युइन प्रॉब्लम हो, जांच के निर्देश होते हैं, तो शासन के निर्देश है वही हम लोग भी यहाँ पर उसको रिपीट करते हैं। सर कुछ औरतें भी कि अंदर जाके रोग आ रहे थे कि मामला था, कुछ आपने उसको कुछ लोगों को बिजली
जो बिल की संबंधित शिकायतें थी, ज़्यादा बिल आए हैं तो उनके लिए भी मौके पे जांच करवाकर उनकी समस्याओं का निराकरण कराने की बात है। और कुछ लोगों के व्यक्तिगत पारिवारिक विवाद हैं जो कि सिविल मैटर्स हैं, तो उनके लिए सिविल कोर्ट के लिए जाने को कहा गया है। बाकी शांति व्यवस्था बनाए रखने की कार्रवाई हम लोग। वहीं सदर तहसील में एसडीएम सदर ज्ञानचंद गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस पर 82 प्रार्थना पत्र आए, जिनमें से 7 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष 75 शिकायती पत्रों के समयबद्ध निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। प्राप्त प्रार्थना पत्रों में सबसे अधिक राजस्व के 60, पुलिस विभाग के 9, विकास विभाग के 5 मामले, 1 स्वास्थ्य विभाग और अन्य 7 मामले शामिल रहे। ऐसा का अनुमान लगाया गया है कि बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए वर्ष 2050 तक खाद्यान्न उत्पादन में 60% वृद्धि लाने की आवश्यकता होगी। खाद्य की ये बढ़ती मांग दुनिया भर में किसानों को फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, जो फिर पर्यावरण पर दबाव बढ़ा रही है और स्वयं की मरम्मत कर सकने या प्रतिस्थापित कर सकने की इसकी क्षमता के पार चली गई। इससे फिर पर्यावरण की गंभीर क्षति की स्थिति बन रही है। कृषि विज्ञान केंद्र एवं कृषि विभाग आत्मा की ओर से इसी संदर्भ में प्राकृतिक खेती पर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। ये प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा में आयोजित किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने रासायनिक खेती से होने वाले दुष्परिणामों पर प्रकाश डालते हुए जानकारी देते हुए बताया कि विगत 5 वर्षों से रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में 16% तक वृद्धि हुई है, जो कि मृदा, पर्यावरण व मानव स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय है। शिविर में बड़ी संख्या में उपस्थित किसानों ने गृह मंत्री का संबोधन सुना। उन्होंने कहा कि खेती में बेतहाशा रासायनिक खाद और कीटनाशकों के उपयोग ने अनेकों जीव जंतु और कीट पतंगों को समाप्त कर दिया है, जिससे पृथ्वी का स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ रहा है। अत्यधिक रासायनिक खाद के उपयोग से होने वाली पैदावार ने मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर दिया है और कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो रही हैं। उन्होंने कहा कि केंचुए जैसे अनेक पृथ्वी के मित्र कहे जाने वाले जंतु नष्ट हो रहे हैं। अब समय आ गया कि हम प्राकृतिक खेती अपनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर धरती को बचाने का अभियान शुरू किया। अब समय आ गया कि धीरे धीरे रासायनिक खेती को छोड़कर प्राकृतिक खेती अपनाएं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती से उत्पन्न उत्पादन कम नहीं होता। प्राकृतिक खेती से उत्पन्न गेहूं, धान, अन्य अनाज, फल, सब्जियां मानव स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित होती हैं। ये पौष्टिक तत्वों से भरपूर होता है तथा स्वाद भी अच्छा होता है, जिससे शरीर को सभी आवश्यक पोषण तत्व मिलते हैं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती का मतलब रासायनिक लैब से निकलकर प्रकृति के लैब में ली जाने वाली खेती है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती अपनाने का मतलब यह है कि कम लागत और अधिक मुनाफा। उन्होंने कहा कि ज्यादा रासायनिक खाद डालने से उत्पादन अधिक होता है और उसकी लागत बढ़ जाती है, किसान कर्ज में चला जाता है। इस दौरान सभी ने किसानों से अपील की कि वो प्राकृतिक खेती करें। देखिए, ये कृषि विज्ञान केंद्र जहां आप लोग आए हुए हैं, ये कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा आजमगढ़ आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या के अधीन संचालित है और हमारे माननीय कुलपति महोदय, माननीय निदेशक प्रसार महोदय और जो हमारे प्रभारी अधिकारी महोदय हैं, उनके निर्देश में हम सभी वैज्ञानिक गण यहाँ पर जो कार्य कर रहे हैं वो प्राकृतिक खेती पे आधारित हमारी एक योजना चल रही है और उसमें अब सरकार का ये लक्ष्य है कि प्राकृतिक खेती के अंतर्गत जो मिलेट्स, जिनको हम मोटे अनाज कहते थे, जिसको अभी हम श्री अन्न कहने लगे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पे काफ़ी बड़ा एक इनिशिएटिव लिया है और आज एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ था भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा, तो उसमें उसका उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था और माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर भी उसमें उपस्थित थे और इसका यही एक उद्देश्य था कि ये जो मोटे अनाज थे जिनको हम श्री अनाज कह रहे हैं, वो पहले हमारे जो पूर्वज थे काफ़ी अच्छी खेती इसकी करते थे, लेकिन धीरे धीरे कालांतर में धान गेहूं का ज़्यादा उपयोग करने की वजह से हम लोग इसकी खेती जो है धीरे धीरे कम कर दिए, लेकिन फिर से इसकी उपयोगिता को देखते हुए इसमें बहुत से ऐसे मिनरल्स, बहुत से ऐसे विटामिन्स पाए जाते हैं जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को पड़ती है और अभी भी जो कोविड हुआ था, हमारे पूरे वैश्विक एक महामारी थी, उसमें जो हमारे शरीर में जो एक इम्यूनिटी पावर थी उसको बिल्डअप करने के लिए भी इन अन्नों का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, तो इसी का प्रचार प्रसार और लोकप्रिय फिर से बनाने के लिए इन श्री अन्नों को इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं और कृषि विज्ञान केंद्र भी इसमें लगातार
सहभागी होके और अपने किसानों को, जिले के किसानों को प्रेरित कर रहा है कि इन श्री अन्नों का फिर से वो अपने यहाँ उत्पादन करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने खाद्य पदार्थों में इसका उपयोग कर अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। जिले की स्क्वाड व जहानागंज थाने की पुलिस ने मोबाइल टावरों से बैटरी चुरा कर बेचने वाले 10,000 के इनामी चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके कब्जे से तमंचा व कारतूस बरामद किया है। बताते चलें कि बीते फरवरी माह में जहानागंज थाना क्षेत्र में स्क्वाड व जहानागंज पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में मोबाइल टावरों से बैटरी चोरी करने वाले गिरोह के 15 सदस्यों को गिरफ्तार कर लाखों रुपए की चोरी की बैटरी बरामद हुई। इसी गिरोह के सरगना समेत 3 सदस्य फरार चल रहे थे। गिरफ्तारी न होने पर एसपी अनुराग आर ने 10,000 का इनाम घोषित किया था। शनिवार को स्क्वाड व जहानागंज थाने के उपनिरीक्षक को सर्विलांस के माध्यम से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने पुनर्जी पुलिया से 10,000 का इनामी बैटरी चोर अयोध्या पुत्र श्याम नारायण निवासी रामपुर जहानागंज को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक तमंचा व 2 कारतूस भी बरामद किया है। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि नामी बैटरी चोर को गिरफ्तार किया गया। इस गिरोह के फरार चल रहे अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी की जाएगी व गैंगस्टर एक्ट के तहत इनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। जो 10,000 का इनामी था और 2 मुकदमे में थाना जहानागंज से वांछित था, उसकी गिरफ्तारी करी गई है। इसके बाकी साथियों की तलाश पुलिस कर रही है। इस आदमी को रिमांड पर लेकर इनके चोरी के सामान की बरामदगी करी जाएगी व इस पूरे गैंग के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करी जाएगी व इनका प्रॉपर्टी जब्ती करने की कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर इम्तियाज हॉस्पिटल हर्रा किचुंगी पॉलिटेक्निक चौराहा आजमगढ़। हॉस्पिटल में डॉक्टर पी यादव MBBS MD स्त्री प्रसूति एवं बचपन रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर AK यादव MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन एवं डॉक्टर मोहम्मद वामिक जनरल फिजिशियन दे रहे अपनी सेवाएं। हॉस्पिटल में बचपन का सफल उपचार, हाई रिस्क प्रेगनेंसी से संबंधित इलाज, हार्मोनल परेशानियों का इलाज, नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी, बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन, ब्रेस्ट सर्जरी, नॉर्मल ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन की सुविधा, निमोनिया, TB, हाई BP के इलाज के साथ ही खून, पेशाब की जांच और ECG की सुविधा मौजूद। साइंट इनिशियल स्कूल पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा, एडिशनल ओपन फॉर न्यू सेशन नर्सरी टू क्लास 9 एंड 11। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। डेरिम संदीम स्कूल तिवारीपुर मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। स्पेशल फीचर्स स्मार्ट क्लास अवेलेबल, साइंस कंप्यूटर लैब एंड लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, एक्सपीरियंस टीचर्स, मॉनिटरिंग विद CCTV कैमरा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गिव योर चाइल्ड ए क्वालिटी एजुकेशन। डैलिम सनबीम स्कूल तिवारीपुर मऊ रोड, आजमगढ़। वुडन टच भवरनाथ, आजमगढ़। अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, क्लच डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, फोर माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए चार चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ, आजमगढ़। मोती महल डीलक्स, सेंट्रल बैंक बिल्डिंग, सरावर्ती चौक, आजमगढ़। साउथ इंडियन डिशेस अवेलेबल, 7 टाइप्स ऑफ डोसा, छोले भटूरे, बर्गर, पास्ता, रैप्स एंड रोल्स, मटका बिरयानी, फ्री तंदूरी ब्रेड्स इन लंच आर। वी आर अवेलेबल फॉर किटी, बर्थडे, एनिवर्सरी, कॉर्पोरेट पार्टी, फेयरवेल पार्टी एंड आउटडोर केटरिंग, फ्री होम डिलीवरी। मटका बिरयानी हैज स्टार्टिंग चंपारण वेरी सून। वैलेट पार्किंग अवेलेबल। मोती महल डीलक्स, सेंट्रल बैंक बिल्डिंग, सदावर्ती चौक, आजमगढ़।
Knowledge is power. Information and education is the liberating premise of progress in every child. Azamgarh Public School, Playgroup 2 Class 12th, affiliated to CBSE New Delhi, जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ नैतिक गुणों का ज्ञान भी दिया जाता है. An ISO Certified School, जहां पर Smart Digital Classes, Computer Lab, Science Lab, Rich Library, Indoor and Outdoor Game, Dance and Music, Art and Craft, 24/7 Backup Security के साथ Transport Facility भी उपलब्ध है. Educated and Experienced Teachers, जो कमजोर बच्चों पर देते हैं विशेष ध्यान. आजमगढ़ पब्लिक स्कूल, कोटिला चेक पोस्ट, वाराणसी, आजमगढ़ रोड, आजमगढ़. होटल पार्क ग्रीन, हाइडिल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़. स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस. नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध. शादी विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल. आपकी खुशियों में लगाए चार चांद. होटल पार्क ग्रीन, हाइडिल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़.